हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कीवर्ड्स की, जिसमें हमने जाना था व्हाट आर कीवर्ड्स यानी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, एंड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स यानी कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं और उनका प्रयोग हम कहां पर और कैसे करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स की, जिसमें हम जानेंगे व्हाट आर आइडेंटिफायर्स यानी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एंड हाउ टू क्रिएट आइडेंटिफायर्स यानी कि आइडेंटिफायर्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर इज़ ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और अदर ऑब्जेक्ट। मतलब आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, क्लास को और किसी अदर ऑब्जेक्ट को। मतलब जैसे हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो वेरिएबल का जो नेम होता है वह एक आइडेंटिफायर का कार्य करता है। कोई फंक्शन क्रिएट करना तो फंक्शन नेम आइडेंटिफायर का कार्य करता है। कोई क्लास क्रिएट करनी है तो उस क्लास का नेम आइडेंटिफायर का कार्य करता है। और कोई अन्य ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है तो उसमें जो उस ऑब्जेक्ट का नेम होता है वह एक आइडेंटिफायर का कार्य करता है। मतलब एक आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और किसी अन्य ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने मतलब नाम देने के लिए प्रयोग होता है। मतलब जैसे हमें किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें वेरिएबल को नाम देना होता है। फंक्शन को आइडेंटिफाई करना तो फंक्शन को नेम देना होता है। क्लास को आइडेंटिफाई करना तो क्लास को कोई नाम देना होता है। जैसे माना जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे कोई नाम देते हैं, जैसे सोनू, मोनू, कुछ भी। तो उस बच्चे का जो नाम होता है वह उसका आइडेंटिफायर होता है। माना जैसे कोई सेब है तो सेब का जो नेम है सेब वह उसका एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक नाम जिससे हम उसे पहचानते हैं कि यह एक सेब है। तो ठीक इसी तरह से एक आइडेंटिफायर कार्य करता है। आइडेंटिफायर इज मेड विथ कम्बिनेशन ऑफ लोअर केस और अपर केस लेटर, डिजिट्स और एन अंडरस्कोर। मतलब यदि हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो वह लोअर केस, अपर केस लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर का कम्बिनेशन होता है। मानो जैसे हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसे लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कम्बिनेशन से बना सकते हैं। मतलब यदि हमें कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करना है तो उसे हम लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कम्बिनेशन से बना सकते हैं। रोल्स टू क्रिएट आइडेंटिफायर। तो गाइज अब हम जानेंगे कि आइडेंटिफायर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के रूल्स सेम वेरिएबल्स को क्रिएट करने के रूल्स की तरह हैं। मतलब वेरिएबल को क्रिएट करने के रूल्स और आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के रूल्स बिल्कुल सेम हैं। जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ठीक उसी तरह से हम आइडेंटिफायर्स को भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स टू क्रिएट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। मतलब आइडेंटिफायर किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए। मतलब जब भी हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो वह किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में कोई लेटर होना चाहिए, जैसे ABCD, चाहे वह अपर केस हो या लोअर केस। और उसके अलावा हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। मतलब किसी आइडेंटिफायर को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब यदि हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते। इट कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक करेक्टर एंड अंडरस्कोर्स। मतलब कोई आइडेंटिफायर अल्फान्यूमेरिक करेक्टर और अंडरस्कोर से मिलकर बना होता है। अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है कि जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों, जैसे ABCD, EFG, कुछ भी, जैसे जेड तक ABCD हो, चाहे वह लोअर केस हो, अपर केस हो। और इसके अलावा नंबर जैसे 1 से 9 तक कोई भी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कोई भी। और इसके अलावा हम एक अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। मतलब आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं।
जैसे वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक इसी तरह से आइडेंटिफायर्स भी केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर होते हैं। वी कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज ए आइडेंटिफायर, मतलब हम किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। जिस तरह से हम किसी वेरिएबल में कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह से हम आइडेंटिफायर में भी कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। और यदि हम कीवर्ड का प्रयोग भी करते हैं तो वह प्रोग्राम एरर शो करेगा और वह रन नहीं हो पाएगा, जैसा कि मैंने आपको वेरिएबल्स वाले लेक्चर में बताया था। यदि आपने वेरिएबल्स का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, कृपया उस वीडियो को देख लें। तो गाइस, आई होप अब आप जान गए होंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो गाइस, यदि आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलें।